और साथ ही अब हम नीचे जाएंगे और ये नीचे दरिया पे जा रहे हैं। तमाम पैसेंजर्स जितने भी टूरिस्ट आए थे वो सब नीचे जा रहे हैं। मेरे साथ जो फैमिली थी सर प्लीज़ वो भी जा चुकी है नीचे, तो उन्होंने मुझे भी कहा कि आप भी आइए प्लीज़। अब मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स को लेकर साथ चलती हूँ और देखते हैं ये दरिया और आपको भी दिखाते हैं, तो चलें आए मेरे साथ। ये अटक खुर्द का स्टेशन है जहाँ से अभी हम नीचे आए हैं, और ये ऊपर से मैंने बताया था रहमान बाबा गई है उसी के बिल्कुल नीचे। इस ब्रिज को अटक ब्रिज कहते हैं और ये अटक खुर्द और खैराबाद कुंड के दरमियान इंडस रिवर पर वाकया है। आमतौर पर लोग इसे पुराना अटक ब्रिज कहते हैं। ये ब्रिज खसूसी हिकमत अमली के तहत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान कमर्शियल क्रॉसिंग के लिए बनाया गया था और बहुत ही ज्यादा मजबूत है। इसे ट्रैफिक के लिए 24 मई 1883 को ओपन कर दिया गया था, यानी कि 24 मई 1883 को इसे आम ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया गया था। इसकी कंस्ट्रक्शन पर तकरीबन 3.2 मिलियन रुपए लगे थे। साथ में मैं आपके पिक्चर्स भी लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं, मजीद आप पढ़ सकते हैं। इस ब्रिज के नीचे बहने वाले दरिया सिंध को लोग अटक दरिया और काबुल दरिया भी कह रहे थे, जो कि मैं आगे चल के आपको सुनवाऊंगी। इसीलिए मैं भी बार बार इसको दरियाए अटक दरियाए काबुल भी कहने लग गई थी। थैंक यू। ठीक नहीं है, खस्ता हाल है, देहान से एक साइड से जा लूँगा, लेकिन अगर पब्लिक के लिए खोला हुआ है तो सेफ ही होगा। ये दरियाए अटक है, इतनी अच्छी अब यहाँ पर हवा लग रही है बीच में आके। हाँ जी, यहाँ पर हवा है जी। ये भाई और भाई की फैमिली स्टिल मेरे साथ हैं, और अभी तो हम सुबह से साथ हैं तो एक ही फैमिली बन चुके हैं, है ना? हाँ जी। नहीं क्या कुछ कई बात करने लगे तो भाई? नहीं नहीं, यार आप तो भाग गए होगे, मैं कैसे भागूं? 1 2 3 स्टार्ट। जी तो यहाँ टिकटॉक चल रही है, मुझे नहीं पता ये कौन से टिकटॉकर हैं, अगर आप लोगों को नाम पता हो तो ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मैंने सफारी ट्रेन में जहाँ जहाँ स्टॉप हुआ है इनको देखा है, वहीं वहीं उतर के ये टिकटॉक बना रहे थे और हम अपनी वीडियो बना रहे हैं। अच्छा जी, मैं आपको ये बताऊँ, दरिया जो है ना इस साइड से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है और लेफ्ट साइड में जा रहा है, और यहाँ पर मुझे बोट भी नज़र आ रही है नीचे, वो बोट ये देख रहे हैं, बोट खड़ी हुई है। वाओ, यकीन करें ऐसे देखने में ज़्यादा प्यारा लग रहा है कैमरे से हटकर अगर आप देखें तो। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान जीवे जीवे वतन प्यार। ये देखे जरा, ये हमारे भाई कर क्या रहे, शावर शावर ले रहे। ये देखें जी, यहाँ से हम लोग पहुँच चुके हैं, जैसा कि आपने देखा अटक खुर्द रेलवे स्टेशन से उतर कर नीचे हम आ चुके हैं, और ऊपर से हमारे रहमान बाबा गुजरी थी इसी ऊपर ब्रिज से, और नीचे हमारे जो बह रहा है वो है अटक दरिया, और इस वक्त मैं इसी फैमिली के साथ हूँ और इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर छाँव में हवा है, अच्छा लग रहा है, अदरवाइज़ बहुत गर्मी है धूप में। मोबाइल भी जो है ना उसने भी मुझे फ़ौरन से वार्निंग दे दी थी, बाहर आ जा नहीं तो फिर मैं बंद हो जा रहा है। खैर, कैमरा मैन नाम बताइए, कैमरामैन क्या है आपका? आपका नाम? अच्छा, मेरा नेहा। नेहा कैमरामैन, नेहा के साथ शाजस फैमिली फ्रॉम अटक खुर्द। थैंक यू, वेलकम जी। ये पहले वाले कैमरामैन की सिस्टर है। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है ना? पहले तो बोर हो रहे थे लेकिन अब थोड़ा मजा है ना यहाँ पर, वैसे गर्मी बहुत हो रही, गर्मी बहुत थी ना यहाँ पे, थोड़ा मौसम मौसम अच्छा हो गया है, गर्मी बहुत थी। बिल्कुल एग्जैक्टली।
अगर यहाँ पर मौसम बारिश वाला होता ना, आय हाय हाय, साथ में मेरी फैमिली होती ना, आय हाय हाय, और फिर साथ में पकौड़े होते, ओए ओए ओए, चाय होती है, माशाल्लाह तू मेरा और दिल खराब कर। चलो जी, फैमिली बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। अब हम कहाँ जाएं जी? वो जो फैमिली है ना मेरे साथ भाई साहब की, वो नीचे रह गई है, ये समझे वो आगे चली गई है, और भाई जा रहे थे कि हम उनको आगे जाके ले लेंगे, पकड़ लेंगे, लेकिन वो नीचे रह गए और हम लोग बहुत आगे आगे। इतना बड़ा ये देखें ब्रिज है जो हमने पार किया है, और मैं तो भाई थक गई हूँ, मैं यहाँ बैठ गई हूँ, और मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ है, और मैंने कुछ नहीं खाया हुआ इसलिए कि मैं ट्रैवलिंग के दौरान कम खाती हूँ, जैसा कि आपको पता, मेरी तबीयत ठीक नहीं, और अभी इतना सा बाकी है जाना है। ऊपर से जी हमारे ट्रेन है, ये देखिए जी हमारे ऊपर से ट्रेन गुजर रही है और वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट कर रहा है पूरा ब्रिज, ये फुल नहीं है, इंजन गया है, इंजन गया है। हाँ, हम लोग जो है ये पूरा ब्रिज आप देख रहे हैं कितनी दूर से है, अच्छा खासा है, ये देखें ये पूरा हम चलकर आ चुके हैं, और ये दरियाए काबुल कह रहे हैं, जो कि अटक दरिया भी कहलाता है, मुझे जो बताया जा रहा है मैं वही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रही हूँ, गलत हुई तो माजरत। तो अब जी हम यहाँ आ चुके हैं, और ये एक रोड है, पता करते हैं भाई साहब से ये कौन सी रोड है, कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई साहब ज़रा ये बताइएगा कि ये कौन सी रोड है और कहाँ से आके कहाँ जा रही है। जी पेशावर से आ रही है और गुआ निज़ामपुर तक जा रही है। अच्छा, ये पेशावर से आ रही है, कोहाट तक जा रही है, ये एक ही रोड है या इसके अलावा भी रोड है? और भी है, दूसरे साइड और भी। इस रोड को क्या कहते हैं? इसको जो है ना पेशावर गुआ रोड, निज़ामपुर रोड, निज़ामपुर रोड, निज़ामपुर। ये पेशावर से आके कोहाट जा रही है, निज़ामपुर रोड है ये, और ऊपर से मैंने अभी आपको बताया था कि इंजन गुजरा है और वाइब्रेट किया है पूरे का पूरा ब्रिज। ये हम चलकर आए हैं, भाई साहब और उनकी बेटी मेरे साथ हैं, और मैंने कहा भाई साहब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ज़रा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अच्छा भाई, सॉरी मैं एक चीज़ भूल गई, ये जो दरिया बह रहा है ये कौन सा दरिया है, इसका नाम क्या है? ये दरियाए काबुल है या बासीन? बासीन, दोनों नाम से पता है। अच्छा, इसे दरियाए काबुल भी कहते हैं और दरियाए अबासीन भी कहते हैं, जिसको जो मैं अभी आपको बता रही थी ना नीचे अटक दरिया, तो अटक दरिया नहीं कहते? नहीं। अच्छा, ये अटक दरिया नहीं कहते, करेक्शन कर ली है मैंने इनसे पूछ के, इसे कहते हैं दरियाए काबुल या फिर दरियाए अबासीन। थैंक यू सो मच सर। परवेज खान खटक। तो ये जी यहाँ से बोर्ड पे मैं कह रही हूँ भाई को चलते हैं, भाई ध्यान नाल, ध्यान से भाई, अरे भैया ध्यान से। चलो जी भाई थोड़ा सा पीछे हीगा। तो ये हम बिल्कुल जी नुक्कड़ पर आके खड़े हो गए, कोने पे आके खड़े हो गए, दरियाए काबुल का आपको नज़ारा देते हैं, और साथ में ये ब्रिज भी दिखाते हैं जो कि हमने पैदल तय किया है जी। वाह वाह, बहुत लंबा है ये, और ये दरियाए काबुल बह रहा है या दरियाए यासीन, इसको दोनों नाम से पुकारा जाता है। और अंकल की फैमिली वो सामने मैं दिखाती हूँ, भाभी बच्चों के साथ ऑरेंज ऑरेंज सी नज़र आ रही होंगी ना, वो इन्हीं की वाइफ हैं जो वहाँ पहुँच चुके हैं शिकार पे। और हम पहुँच चुके हैं इस पार, तो मामा आ रही है वो सामने। हाँ भाई, आप गाना गाए साजन मेरा उस पार है। और मिलने को दिल बेकरार है। गाना सुना दे भाई, गाना सुना दे। साजन मेरा उस पार है और मेरा मिलने को दिल बेकरार है, कश्ती का इंतजार है। और भाभी वो खड़ी मजेदार सीन आ गया भाई ये तो। और जिनका ये जो साजन है ना, इनकी प्यारी प्यारी सी माशाल्लाह से बेटियां ये हैं। चलो जी, पकड़ ही लिया है कैमरा ऑन करते करते हमने, फिर भी कैप्चर कर लिया है जनाब ट्रेन को।
भागे हैं लेकिन आधा इंजन निकल गया और ये दरिया काबुल बह रहा है। हम वो सामने गए थे वो देख रहे हैं रूम सा बना हुआ, मुझे तो नज़र नहीं आया धूप में, लेकिन जो भी आपको नज़र आ रहा है इधर से आए हम वापस। हम ऊपर आ गए हैं वापस अटक खोड पर। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तेज़ धूप है और सांस फूल गई है चढ़ाई चढ़ते हुए। अच्छा जी, आपने यहाँ पे इंजॉय किया है? जी बहुत गर्मी को इंजॉय किया है। गर्मी तो है, गर्मी तो हर जगह पे। कैसे लगा आपको इस ट्रेन का सफर, कैसा हुआ? मैं ये बताऊँ कि तुसी भी चोरी आ रहे हो। मैं ये बताऊँ कि वैसे ओवरऑल ये जो जर्नी है बहुत ज़बरदस्त है और ये स्टेशन भी बहुत प्यारा है, लेकिन हाँ एक दो चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहूँगी, वो ये कि सबसे पहले यहाँ पर कोई बैठने की जगह नहीं है। जो भी टूरिस्ट आएंगे अगर तो वो ब्रिज पे चले जाएं, या जैसे मैं ब्रिज के पार गई हूँ ऐसे चले जाएं, या फिर नीचे बोटिंग कर लें, अदरवाइज और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है ऐसी जैसा कि मैं ध्यान में था शायद यहाँ पे बहुत कुछ हो। और दूसरा ये स्टेशन इतना बड़ा भी नहीं है कि यहाँ पे कोई सीटिंग अरेंजमेंट हो, तो लोग या तो इधर उधर वीडियो बनाने चले गए या फिर दरख्तों के नीचे बैठे हुए हैं। और एक और चीज़ सबसे जो मेन चीज़ है कि यहाँ पर कैंटीन नाम की चीज़ नहीं है, और इस गर्मी में पानी पीना है या आपको कुछ खाना पीना है तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतर के जाना पड़ेगा और वहाँ पर कोई शॉप है जहाँ से इन्होंने भी खाना खाया। ये बात आप सही कह रही हैं, यहाँ पे बहुत दूर है, बच्चों के लिए टॉयज खेलने की राइड्स हो जाएं, और इसके अलावा थोड़ा सा ग्रास लगा के कोई गार्डन टाइप बना दे, पीछे पीछे जगह है कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, जगह है, अगर ये कर दी जाए, कैंटीन बना दी जाए और थोड़ा सा फ़ैन वगैरह लगा दिया जाए तो मेरा ख्याल है ये प्लेस बहुत ज़बरदस्त है। ओवरऑल जो है गर्मी है तो इस वजह से हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर आप अच्छे मौसम में आते हैं, बारिश के मौसम में आते हैं, सर्दी में आते हैं, तो फिर प्लेस बहुत अच्छी है, लैंडस्केप बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू। एक तो सफ़र था ही अच्छा और शाजिया के साथ मिल के बैठे और उनकी मुझे भी आप लोग बहुत पसंद आए, उनका इखलाक मुझे बहुत अच्छा लगा, आप खुद भी बहुत अच्छे, पूरी फैमिली माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, भाई बहुत अच्छे हैं स्पेशली, और मैं ना पंजाबी इनके साथ मारी जा रही ज़बरदस्ती की मारी जा रही। और भाभी कह रही है कि चले मेरे साथ घर चले, लेकिन मैंने कहा नहीं मैंने होटल जाना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा आप यहाँ पे क्या करने आई हैं? यहाँ पे घूमने फिरने आई थी, पपेटी डाली हुई थी। अच्छा जो ट्रेन है आपको, इस ट्रेन में क्या इंटरेस्टेड इंटरेस्टिंग वगैरह लगे, क्या हुआ है? बहुत सफर, अच्छा मौसम यार, गर्म, कोई इंतजाम नहीं बैठने का, बल्कि इसका ऑपोजिट बोलते हैं, इस ट्रेन है ना, हम क्या बताएं। इस ट्रेन के रूल वगैरह आपको कैसे लगे हैं? नहीं रूट बहुत अच्छा है, ट्रेन का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और ट्रेन भी बहुत साफ है जैसा कि मैंने आपको दिखाया। जो प्लस पॉइंट है वो मैंने आपको सब बता दिया, सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट वो ये है कि यहाँ पर बैठने का कोई सिस्टम नहीं है, कैंटीन नहीं है, फैन वगैरह नहीं है, बच्चों के साथ अगर आए तो कोई पार्क टाइप की जगह नहीं है, ये एक चीज़ है जिसको कि मैं बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग इस तरफ तवज्जो दें ताकि जो टूरिस्ट आए तो वो यहाँ पर कुछ खाना पीना भी कर सके। और इसके अलावा जो वेदर है वो इंतहाई गर्म है, लेकिन वो अल्लाह के काम है, आई थिंक सब कुछ ठीक है, ठीक है, बेस्ट है, मतलब कि व्यू वगैरह भी ठीक ही है, बट वेदर ने हमारा साथ नहीं दिया जिसकी वजह से हम पूरे मूड खराब हुए, मूड ऑफ हो गए, खराब हो गए।
बोटिंग कर ली अकेले अकेले इनकी मम्मा ने और इनकी वाइफ जी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा मैं सब थके हूं, ये हस्बैंड होने के नाते दुखी हैं इनसे और ये बेटी होने के नाते ये बेटी होने के नाते और अभी एक घंटा है ट्रेन चलने में लेकिन कोई लेते नहीं और ये बोट में बैठने के लिए मछली जा रही है लेकिन इनको कोई भी नहीं दिखा सकता। बहुत तपा हुआ है धूप ये देखें, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज मैं आपको ऊपर से व्यू दिखा रही हूँ ट्रेन का पूरा। ये देखिए पूरा रेलवे स्टेशन है, आप लोगों को कैसा लगे आप लोग बताएं। हमारा जो लोकोमोटिव है वो अब इस साइड पर आकर लग चुका है और हम इस वक्त पार्लर कार में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ एसी चल रहा है और हमें लगी है शदीद गर्मी। चले चलते हैं अंदर, इसलिए ये मैं बता रही हूँ कि मैं एसी पार्लर कार में आकर बैठ गई हूँ। उधर बहुत गर्मी थी, वहाँ पर इनफैक्ट कोई भी नहीं बैठा हुआ, सब यहीं पर आ चुके हैं। जिन्होंने भी इकोनॉमी की यानी कि पार्लर की टिकट नहीं भी ली हुई थी वो भी यहाँ आकर बैठ चुके हैं। यहाँ पर एसी चल रहा है, एसी बहुत ज़बरदस्त कूलिंग कर रहा है और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है कि मतलब सर चकराने लग गया था। पहले हम एक वेटिंग एरिया था छोटा सा, मतलब वो स्टाफ का था, इसमें चारपाई डली हुई थी, दो तीन कुर्सियाँ थी, लेडी पुलिस वाली बैठी हुई थी वहाँ पर, तो उनके साथ हम बैठ गए चारपाई के ऊपर और चेयर पे। तो फ़ैन चलता रहा तब तक तो ठीक था, फिर भी गर्मी थी, लेकिन जैसे ही लाइट गई तो फ़ैन बंद हो गया, लिहाजा फिर हम लोग जो हैं वो वहाँ से निकल के एसी पार्लर कार में आकर बैठ गए। तो मैंने इनके जो स्टाफ है यहाँ पर टिकट चेक करने के लिए आते हैं तो उनसे मैंने ये कहा था कि आप प्लीज़ अब मेरी टिकट को चेंज कर दीजिए, मैं मज़ीद पैसे दे देती हूँ। ट्रेन के स्टाफ ने और जितने भी हम स्टेशन अभी गुजर कर आए हैं तमाम स्टाफ ने बड़ी ही इज्जत दी है, बहुत इज्जत की निगाह से देखा है। सबसे बड़ी बात होती है पैसे कमाना तो ईजी है लेकिन इज्जत कमाना मुश्किल है, तो उन्होंने मुझे दिल से दुआएँ दी हैं, तो मुझे तो दुआएँ चाहिए आपको पता ही है। तो बस ये सफ़र बहुत अच्छा रहा, व्यूज़ बड़े अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर जो अटकपुर पे आके जहन में था ना कि कोई जगह होगी बैठने की, हो सकता है वहाँ पे कोई पार्क बना हुआ हो, पब्लिक के लिए कोई एक्टिविटीज़ हो, जैसा कि कुछ भी है एक्सपोजेड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और इवन के बैठने के लिए भी जगह नहीं है। बस वो जो हमने ब्रिज दिखाया है वो है, या फिर नीचे चले जाए तो बोटिंग कर रहे हैं, इसके अलावा कैंटीन तक नहीं है ना, तो नीचे कोई शॉप वगैरह है बिल्कुल, वहाँ पर वो खाना वाना खिला रहे हैं मतलब ख़रीद के खा रहे हैं लोग, लेकिन वो काफ़ी नीचे जाके हैं। तो बहरहाल ये एक चीज़ थी, यहाँ पर अगर ये सब चीज़ों का थोड़ा सा हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा है। अच्छा डार्क काफ़ी आ रहा है क्योंकि अंधेरा है अंदर और मैंने ये विंडो का कर्टन थोड़ा सा हटाया ताकि रोशनी मेरे फेस पे आए, बहुत ही डार्क आ रहा था तो अब मैं इसको बंद करती हूँ। और ये यहाँ बैठे हुए ऊपर फ़ैन चल रहा है, ऊपर फ़ैन है और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो बड़ा अच्छा माहौल हो गया, वरना तो बहुत गर्मी है भाई। आप लोगों से गुजारिश है जब भी आप ये वाली ट्रेन का सफ़र करें तो ज़रूर बारिश के मौसम में करें या फिर सर्दी में करें, तो आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। मैं बच्चों को लेके मैं तो ज़रूर आऊँगी। ठीक 3:04 पर हम लोग अटकपुर से रवाना हो रहे हैं पिंडी के लिए और ये हम अब आकर बैठ चुके हैं एसी पार्लर कार में और इसका किराया जो है अब मुझे 200 रुपीस मज़ीद देने पड़ेंगे और 1200 में मिलेंगे राइड आने जाने की पड़ गई। कैप्चर हो गया
कैप्चर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये तरबेला डैम से पानी आ रहा है, गाजी ब्रोथा नहर। जी तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी गाड़ी लग चुकी है और वापस आ गए हैं हम अटक फोर्ट से। हमारी सफारी ट्रेन वापस आ चुकी है और अब ये नेक्स्ट संडे को ही जाएगी, उससे पहले ये नहीं जाएगी। और बस अब हम चलते हैं होटल। और ये है वो फैमिली कि जिनके साथ मैंने ट्रैवल किया है। अल्लाह अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई कहाँ गए? क्यों, क्या हुआ है? अच्छा जाफर एक्सप्रेस रावलपिंडी से पिशावर के लिए रवाना हो रही है जो कि कोयटा से आई थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कल हम इसी में सफ़र करने वाले हैं। जब ये पिशावर से कोयटा जाने के लिए वापस रावलपिंडी स्टेशन आएगी तो कोच नंबर 10 के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं भी ट्रैवल करूंगी। तो आए आपको दिखाते हैं कोच नंबर 10। गाड़ी ने हमें 5:15 पर यहाँ उतारा है। रावलपिंडी स्टेशन रात को मैंने आपको दिखाया था, अब आप दिन में भी देख लीजिए और सुबह भी मैंने दिखाया था आपको।